मैम, किस तरह के बच्चे आपने तो 43 बच्चे तैयार किए हैं, कैसे और कहाँ से आपको? हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि बहुत अच्छी है, एनजीओ है और काम करती, जैसे आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय त्यागी जी की है, उनकी थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नरेला इंडस्ट्रियल एरिया एंड कुछ खेड़ापुर में बच्चे चाहे लेबर कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे हमने इनका रेस्क्यू किया। तो अंदाज़ा हमें नहीं था कि इतने ज़्यादा तादाद में बच्चे पाए जाएंगे, तो तकरीबन 43 बच्चे हमने आज रेस्क्यू करा। किस किस इंडस्ट्रीज में, किस फैक्ट्री में ये काम कर रहे थे? क्या कोई केमिकल इनके शरीर के लिए हानिकारक ऐसी फैक्ट्री भी थी? बच्चे तो इंडस्ट्रियल एरिया में से ही हमने पकड़े हैं, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की फैक्ट्रीज थी, जूते बनाने की फैक्ट्री जिसमें प्लास्टिक मोल्डिंग वगैरह का काम होता है उस टाइप की फैक्ट्रियाँ, कुछ केमिकल्स की थी, दाना बनाने की थी, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज भी थी। तो इन सब बच्चों की हेल्थ पे, इनकी मेंटल साइकोलॉजी पे भी बहुत फ़र्क पड़ा हुआ। जैसे हमने जो भी बच्चों से बातचीत की है, काफ़ी डरे हुए हैं बच्चे, इनको ये भी डर है कि इनका मालिक क्या करेगा इनके अगेंस्ट, इनके पेरेंट्स के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले लेगा, तो इन सब की काफ़ी अब हम इनकी काउंसलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कितनी मुसीबत में से बच्चे गुजरते हैं और कितना इनकी हेल्थ को अफेक्ट होता है। तो लीगली जो इनके ओनर हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन पर भी कोई कुछ कार्रवाई की जाएगी? एब्सोल्युटली, लेबर डिपार्टमेंट वालों को, इसलिए हमने, इट इज़ नॉट जस्ट एसडीएम ऑफिस, लेबर डिपार्टमेंट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, तो ये सभी डिपार्टमेंट्स की एक मिली जुली पहल है, जिसके अंदर जो लोग ऐसे चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय करते हैं उनकी तो फैक्ट्री तुरंत ही उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसा है कि 43 बच्चे हैं सारे नाबालिग हैं या कुछ एजेड भी हैं, कुछ ऐसा भी 18 साल का? इसके अंदर जैसे खेड़ापुर से जो हमने बच्चे रेस्क्यू किए हैं आज, वो जैसे समोसा वगैरह मिठाई की दुकान पे काम करते हैं बिल्कुल चौक के अंदर, तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, मतलब 10-10 साल के भी बच्चे हैं वहाँ पर जो हमने पाए। वो कोई बर्तन धो रहा है, कोई टेबल साफ कर रहा है, कोई चाय वगैरह का पानी हो रहा है, बाकी अभी मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसमें से जो भी बच्चे अगर हमें पाए जाएंगे कि 18 साल से अब थे, उनको तो हम ऑफकोर्स छोड़ ही देंगे, वो तो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। एंड एग्जैक्ट नंबर्स हम आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही बता पाएंगे। मेडिकल के बाद इन बच्चों को कहाँ भेजा जाएगा अभी फिलहाल? अभी बच्चों को अभी जैसे आए थे, काफ़ी भूखे भी थे, सुबह के घबराए हुए थे, तो अभी तो हमने उनको खाना वगैरह खिला के, जूस वगैरह पिला के, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं सारे काफ़ी कम्फर्टेबल हो गए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंस खेल भी रहे हैं, तो वो एक चीज़ है। सेकंड स्टेप ये होता है इसका कि इनकी सारी प्रोसीडिंग्स करके CWC जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगी, दैट इज़ द एक्चुअल बॉडी जो इन बच्चों के ध्यान रखती है, उनको हम हैंड ओवर करते हैं, फिर वो कॉरेस्पॉन्डिंगली बच्चों से पूछ के कि अगर वो घर जाना चाहते हैं वापस तो पेरेंट्स के पास रिस्टोर करते हैं, या अगर जिनके माँ बाप नहीं हैं तो उनको चाइल्ड होम में भेजा जाता है, तो वो प्रक्रिया सारी CWC करती है। तो मैम, इस तरह की जिस तरह अभी 43 बच्चे, इससे पहले भी कुछ बच्चे आपने हायर किए कुछ इंडस्ट्रीज एरिया से? इससे पहले भी हमारे को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है ऑन अ रेगुलर बेसिस कि यहाँ पे बच्चे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, बवाना का भी है, नरेला का भी है, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद पर बच्चों की एम्प्लॉयमेंट होती है, तो इसलिए अब हम रेपिटेटिव एक्शन लेंगे सो दैट इट्स अ रेगुलर डेटरेंस फॉर द पीपल।